नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। जिलों के शहर में देखा जाए तो आज हर तरफ आयड़ आयड़ वेनिस वेनिस गुंजायमान हो रहा है। एक वक्त में गंदगी को परिभाषित करती है आयड़ नदी को सुंदर बनाने या दिखाने के लिए बाहरी राज्यों से बेस्ट मेकअप मैन को भी बुलाया गया और जनता के बेशकीमती मेहनत से प्राप्त करोड़ों रुपए को किसी एक के ख्वाब को साकार करने के लिए उड़ाया गया। लेकिन हम जिन नज़ारों को आपको दिखाने जा रहे हैं उनसे आपकी उलझन से कुछ हद तक तो बाहर आ जाएंगे। जिन्हें शहर में सार्वजनिक शौचालय बनाने नहीं आता है वे आयर नदी का कायाकल्प करने का अगर काम करेंगे तो परिणाम तो जो आए हैं शायद कुछ हद तक कह सकते हैं कि बेहतर ही आए हैं। उदयपुर शहर में यूं तो निगम के 70 वार्डों में सार्वजनिक शौचालय हैं जिनके हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। जो जिम्मेदार मात्र शौचालय की गंदगी साफ नहीं कर सकते हैं वह अगर आयड़ नदी को साफ और सुंदर बनाएंगे तो क्या कुछ होगा, जो हुआ है वही होगा। निगम के निर्माण शाखा के जिम्मेदारों द्वारा करीब 19 लाख रुपए की निविदा निकाल शहर के हर सार्वजनिक शौचालय पर 500 लीटर की टंकी और एक वॉश मशीन लगवाया गया, जो आज अधिकांश शौचालय पर से या तो चोरी हो चुका है या इक्का दुक्का अगर कहीं यह नज़र आ रहे हैं तो या तो उल्टी पड़ी है या टूट गई है। लोगों का कहना है कि पानी की टंकी लगाई गई है लेकिन इसमें पानी भरने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जिन पार्षदों से अपना वार्ड के लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है वह 75 करोड़ के मुद्दे पर यानी आयड़ के मुद्दे पर खूब चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो यह शौचालय देख रहे हैं ये वार्ड 57 पार्षद महोदय छोकालाल भोई के मेवाड़ केबल के कार्यालय के बिल्कुल पास के नज़ारे हैं, जहाँ पर आयड़ नदी का तो नहीं लेकिन लोगों के द्वारा किए गए मूत्र विसर्जन की नदियाँ जरूर सड़क पर बहती हुई नजर आ रही है। इस नज़ारे को देख आपको समझ में आ गया होगा कि रात दिन आयड़ की नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर किए गए हर सवाल पर रात दिन बोलने वाले जिम्मेदार आखिरकार उन लोगों के प्रति कितने जिम्मेदार है जिन्होंने अपना अमूल्य वोट देकर उन्हें पार्षद बनाया, जो अपने क्षेत्र को छोड़ो अपने ही केबल कार्यालय के पास सार्वजनिक शौचालय के बाहर बह रही पुत्र नदी को बंद नहीं करवा पा रहे हैं। पानी आएगा, पानी आई तो नहीं ना, कहीं नल लग गया नहीं, कटवाएगा मुत्रे का कहीं महीने। छोकालाल जी तो कह रहे बढ़िया काम करायो, मैं छोकालाल को भेंडो मैं, छोकालाल आयो ही नहीं जड़ा का। हां बोले हां फोटो लो, पाछो की जो बता दो मैंने। लेकिन ये बाथरूम तो किदो गया यार, बड़ा बड़े बड़े तो बाथरूम की तो टूटी गयो ने बाथरूम तो कहीं ये तो कह रहे बरोबर आउन राखो सब जना आटे सब मां तो कभी देखियो ही नहीं, बोट ले गया केड़े का देखियो ही नहीं, कभी कना साइन करना है तो कभी यूं ने काटा साइन की का कोई मतलब ही नहीं। केरा पाचा चुनाव होयो 2000 वोटो जीतूंगा लगने के बाद में कभी पानी नहीं भरा, कुछ नहीं हुआ, ये टूटे भी गायब हो गए, पाइप भी टूट गया, सब टूट गया। क्या करना चाहिए इन लोगों को, क्या करना चाहिए इनके ऊपर कार्रवाई करो अधिकारी, इसकी फिटिंग सही होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। फिटिंग तो हुई, सब तोड़ के लेकिन नल पानी भरेंगे कौन, एक बार भी पानी नहीं भरा, पानी भरेगा एक बार भी पानी नहीं भरा, जो इंसान हाथ धो सके सुरक्षित के लिए। बाथरूम की हालत देखो आप, कौन से हो रही है बाथरूम की हालत देखो, टॉयलेट टूट गई, टॉयलेट टूट गई, तो ऐसा थर्ड क्लास काम करना था धोने वाले लोग तो कह रहे हैं छोकालाल जी सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आते ही नहीं वार्ड के अंदर, नहीं आते वो तो कहते हैं मैं बरोबर घूमता रहता हूँ, एक ही दिन नहीं आया कोई वार्ड के अंदर, कोई भी कह देता हूँ ये हेडपंप, वो कह रहे हैं वापस खड़ा होऊंगा इस वार्ड से 2000 वोट से जीतूंगा, नहीं जीते आप, ये हेडपंप खराब था ना, जो हमने सही कराया उन्होंने 181 पे शिकायत करता हूँ, जब मेरे काम कार्य होती है हम ही, छोकालाल जी का कोई नजर नहीं आता, उनको फोन करते हैं हाँ मैं कर रहा हूँ अधिकारी को बात, बस बाकी काम नहीं होता, सही नहीं पिया, मैंने 81 पे शिकायत करा तो मैं आज भी कराता हूँ। अच्छा, अभी 4 दिन पहले किसी लाइटें बंद थी, बाकी आप ही के ठेले पे टोस बेच बेच के प्रचार कर रहे थे, वो मेरे यहाँ ठेले पे बैठ के कर रहे थे, जीतने के बाद दो चार बार ठेले भी बैठ के प्रचार कर रहे थे, इनका कार्यालय अंदर ही था गली में, मगर ये क्या है वार्ड के अंदर तभी तो एक ही बार नहीं आया, समस्या तो सबको पूछनी चाहिए क्या है क्या नहीं, आप टंकी लेके तो मगर पानी कौन भर है, अब ये जो पाइप टूटे उठे सब लेके लोग ठीक क्या करो, इनका लगाने का क्या मतलब,
पब्लिक का पैसा जा रहा है, इनका क्या ले जाने वाले लेके चोटते सब बाथरूम के देखो हालत पहले सब उतर गई सबको जाए अधिकारी दे ही नहीं जान किनको कह रहे हैं ठीक है वन एट वन पे शिकायत करूँ तो भली हूँ ये कॉम्प्लेक्स मैंने चालू करवाया अंदर सोलो कॉम्प्लेक्स 181 पे शिकायत करके आज भी मेरे पास वो तो कह रहे मैंने करवाया 181 पे आज मेरा नंबर है वहाँ ये वो आज भी मैं कंप्लेन मेरा नंबर भी वहाँ सेव कर रखे उन्होंने जाते जिन दिनों निकलते अंदर साफ ही गुजरा अंदर का एक डेढ़ साल तो टूटी पड़ी है अभी बीमारी भी चल रही है बीमारी चल रही है डेंगू चल रहा है देख लो डेंगू आ रहा है मच्छरों से मर जाएगा इंसान डेंगू हो गया दो चार दिनों को पार्षद जी यही तो रहते हैं पास में वो सभी देख के जाते हैं किसी को दिखता ही नहीं है ये तारा जैसी क्यों हो रही है क्या करना पार्षद जी नाम ही नहीं जानूंगा इनकी नोट लो कुछ जानवर हो तो भटका पड़ लेना सही करना चाहिए इनके सही करने के लिए है कि करो बताओ नेताजी ठीक है।